चाय ले देंगे। गर्म है, बहुत बहुत गर्म है। दादा ने मुझे अभी गरम गरम चाय लेके ही दी थी और मैंने पकड़ी थी तो इसके ना ये लिड सही से बंद नहीं उस बंदे ने की हुई थी, तो शहजाद ने एक लेडी को जगह दे दी मेरे साथ। फिर शहजाद उठ गए, मैंने सोचा मैं भी उठ जाती हूँ, दूसरी भी बूढ़ी थी, मैं भी उठ जाती हूँ। तो उठ के हम खड़े हुए तो जनाब ये प्रेस हुई है और मेरे ऊपर सारी चाय, और ये देखे मेरे हाथ रेड हुए नज़र आ रहे हैं ना आपको। अब दुआ करें कि इस पर छाले ना बन जाए। यहाँ पे अब नेक्स्ट टास्क होता है बैठने की जगह ढूंढनी है। होपफुली मुझे कारपेट मिल जाएगा, मुझे कारपेट पसंद है ना, कारपेट बड़ा शौक है मुझे, कारपेट पे मिल जाए उस पर मैं बैठूं। स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होनी चाहिए, आपकी कितनी है? स्लोएस्ट एवर। बुढ़िया किधर जा रहे हो? जगह तो काफी है, आगे चलते हैं। ये मिल गई, यहाँ बैठ जाते हैं। चले, इस वक्त 5:43 हो रहे हैं, घर जाके जाना, शहजाद सो जाएंगे और मैं अपनी एडिटिंग कर लूँगी बस। उसके बाद फिर 8 बजे तक या मैक्सिमम 9 बजे तक मैं सो जाऊँगी, फिर उसके बाद 12:30 फिर अजान हो जानी है दोपहर की, और हमें घर पे पढ़ के असर के टाइम निकलना होगा। ज़्यादातर तो हमारी यही रूटीन होती है क्योंकि बहुत छोटा है ना मिशू, तो दोपहर के टाइम हम लोग घर पे नमाज़ पढ़ लेते हैं और असर के टाइम निकल जाए। बाकी सब नमाज़ें फिर हमारी यहाँ पे होती हैं, यानी सिर्फ एक दोपहर की घर में होती है, फजर असर मगरिब इशा अल्हम्दुलिल्लाह हरम में होती है। इतना सा तो करना पड़ता है बच्चों के साथ। बहरहाल तो अभी हम घर जा रहे हैं और आपसे मैं डायरेक्ट मिलूँगी एडिटिंग करके सो के उठ के। हम लोग सो के उठ गए हैं और मिशारी को शहजाद नाश्ता करा रहे हैं और तेहमी शावर लेने गया हुआ है, तो खूब आज हमने नींद पूरी की है जोहर की नमाज घर पढ़ के। तो फिर हम लोग असर के टाइम पे निकल पड़ेंगे दोबारा से स्ट्रगल में कि हमें खाना काबा देखने को मिल जाए, तो एहराम पहन के जाएंगे। ये सब चीज़ें यहाँ पे इकट्ठी हुई हुई हैं खाने पीने की। नॉर्मली जब हम लोग रिजॉर्ट वगैरह जाते हैं ना स्टे करने के लिए, तो उसमें तो मैं बड़ा सेट कर करके रखती हूँ, इधर तो हमें टाइम ही नहीं मिल रहा। अब जाते हैं आते हैं, इबादतों में ज़्यादा फोकस है, तो बस ये आज इस दफ़ा जो है ना मैं भी परवाह नहीं कर रही हूँ। बस हम लोग निकलने लगे हैं हरम के लिए, अभी हाउसकीपिंग करा रहे थे तो बेड शेड सेट करा ली हैं और बस ये सामान भी मैंने थोड़ा सा सेट किया, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले याद है ना कितना बिखरा हुआ था, अब ये वाला जो सामान है ये मैं अपने साथ ले जाऊंगी हरम में, जस्ट इन केस हमें इफ्तारी ना मिल सके। उसके अलावा ये पानी है जो हम लोगों ने साथ लेके जाना है, और ये जो है वो सारा पानी और चाय इकट्ठी हुई है क्योंकि चाय तो हम बाहर से पियाते हैं जाके, सब इकट्ठा हुआ है। तो ये हमारा जो है ना अब सेट हो गया टेबल। मुझे यही हो रहा था कि टेबल जो है ना वो बहुत ही गंदा लग रहा है, आपको मैंने कहा था मैं सेट नहीं करूँगी, फिर मुझे खुद ही होने लग गया कि नहीं सेट कर दूँ। अब आया जल्दी से मैं ले लूँ और हम लोग निकलें। अब आज ही अब आया इंशाल्लाह वॉश कराना है, दूसरा है मेरे पास मैं वो यूज़ कर लूँगी। कल क्या हुआ मेरे साथ, मैंने इतनी बड़ी आबे जमजम की बोतल पकड़ी होती है हम लोगों ने, तो मिशी साहब ने खा के ब्रेड और दही, तो मिशी ने मेरी बोतल को मुंह लगा के पिया तो सारा अंदर एक कुएं में मर गया। ऑब्वियसली मुझे भी वही यूज करना था लेकिन मैंने कहा आज जो है ना इसको मिशी को, हाँ मिशी यू कैन पुट दिस बोतल हियर, मिशी को इसमें डाल दूंगी मैं, तो इसमें डाल दो बेटा जल्दी से। किस चीज का कमरा हमारे किसी चीज के लिए दोबारा से आप लोग लेके चले जाना। नहीं, 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 नहीं,
देखें लोग इंतजार कर रहे हैं उस गाड़ी में, सारी अफतारी है और ये सारी लेडीज खड़ी हैं, वो सारी जेंट्स की लाइन खड़ी है और ये सारी बसेज आ रही हैं इधर और हम जा रहे हैं। असर का टाइम है, वो माशाल्लाह कितनी दूर तक लाइन ही लाइन है शहजाद। हाँ अभी हम जा रहे हैं मिनी मार्केट, यहाँ पे बकाला छोटा सा एंड पे बना हुआ है, इधर से हमने लेनी है योगर्ट्स और फिर चलेंगे। मिशो मिशो यहाँ पे ओरियो की जो है ना वो लोकल वर्जन आ गया, ओ बॉय, और दिल चाह रहे हैं लेने कुकीज़ एंड क्रीम, तो हम ही लेना ट्राई करते हैं। हाँ ठीक है, हम तो ट्राई करने लगे हैं। मिशो यू वांट ट्राई विद मी? थैंक यू मामा, थैंक यू। चलो जी टाइम टू गो। नहीं जी हम पहुंच गए यहाँ पे, ये हम आ गए हैं और बस इसके आगे हरम ही है, सो ये लास्ट में मज़े से उतार देते हैं और फिर हमने पैदल उधर हरम चले जाना है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से ये थर्ड एक्सपेंशन हो रही है हरम की ना, तो इंतज़ार रहेगा कि देखें ये रेडी हो के कैसा लगता है। अगले साल तक इंशाल्लाह रेडी हुआ होगा। अभी दो दिन पहले हम आए हैं और आज रश का हाल देखें, आज एक एक बढ़ते हुए दिन के साथ रश कितना बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे कौन से बाब से एंटर होना है नहीं होना मुझे अभी तक इतने सालों में कुछ समझ नहीं आई, तभी मैं सिर्फ शहजाद के साथ ही जाती हूँ, मैं अकेले नहीं आती, मुझे पता है मैं रास्ते भूल जाऊँगी, पूछती फिरूँगी। ये है बाबुल मलिक फहद और शहजाद कह रहे हैं पता नहीं कितने सालों से हर साल से यही गेट खुलता है। मैं शहजाद से बहस कर रही थी कि शहजाद ये ना हम फिर के फिर एंटर ना हो सकें आज, तो प्लीज़ किसी से पूछ लेना। तो पहले शहजाद पूछ नहीं रहे थे, कहते मुझे पता जो है, फिर जब पूछा तो वही जवाब मिला कि हाँ वहीं से। तो शहजाद कहते हैं तो पीछे कितने सालों से, मुझे ये कंसर्न था कि हो सकता है कि रूल्स हर वक्त इनके चेंज होते हैं तो किसी और जगह से एंट्री हो, तो कहते नहीं यहीं से होती है। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये मेन डोर जहाँ से हम एंटर होंगे, गेट नंबर 79, आप लोग भी याद रख लें जो नए आए हैं ना या फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे, गेट नंबर 79 बाबुल मलिक फहद। इस वक्त 5 बज रहे हैं और पता नहीं किस वक्त इसको खोलेंगे, मैं मिशी के साथ यहीं पे खड़ी हूँ, लेडीज़ भी खड़ी हैं क्योंकि हमने इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो काबा के सामने इफ्तार करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का करम हुआ कि बिल्कुल काबा के सामने हमें पिछले साल की तरह इस साल भी इफ्तारी करनी नसीब हुई। अभी हम बैठ के दुआ करने लगे हैं और मिशारी को तो बड़ा कुछ मिला आज, ये सब कुछ मिशारी को मिल गया, कैंडीज तक मिली हैं आज मिशी को, है ना मिशू? You're happy, don't drink too much water. मेरा मेरा बेटा काबा के सामने बैठे हुए हैं। पढ़ली नमाज काबा के सामने, तब मैंने आप सब के लिए बहुत हेसाई पढ़ी। ये आप जमजम बॉटल है, ये मेरे बॉटल है एंड ये मेरे मम्मा है। ये आप जमजम कप है एंड ये पानी है। हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं शहजाद का और तेहामी का। हेलो अभी मैं गुलाफे काबा के पास जाने लगी, उसको हाथ लगाने लगी हूँ, शरारत लेके जा रहे हैं मकाम इब्राहिमी। हाँ तो गुलाफे काबा हजरत अजर पता नहीं पॉसिबल है या नहीं देखते हैं, और मैं शरारत से कही थी मिशी को, तो कहते हैं मिशी रो पड़ेगा उसके पाँव में सब स्टेप कर देंगे, तो चलिए हम जा रहे हैं रश में, अल्लाह ताला नसीब फरमाए।
अभी हम मुकाम इब्राहिम की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक स्टोन है जिसने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का फुटप्रिंट ले लिया था मेल्ट होके। ये वो स्टोन है जिस पे खड़े होकर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काबा को तामीर करते थे, और ये ख़ुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से ऊपर नीचे जाता था, लिफ्ट का काम करता था ये स्टोन। तो ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह। उधर हम पहुंच गए। लेकिन आप समझे, आप दिन के अंदर ही हैं, बस आऊँगी मैं तो। जगह मिलेगी, यहाँ धक्का मिलेगा। पेशेंटली वेट किया। ऊपर चले, एस्केलेटर भी बंद होने लगा, अब सारा कुछ ब्लॉक होने लगा। जो अंदर है वो अंदर रह जाएंगे, जो बाहर है वो बाहर रह जाएंगे। शहजाद थैंक यू सो मच, जजाकल्ला। शहजाद ने वो पॉसिबल करा दिया जो सोचा भी नहीं था मैंने। इतना रश है, इतना रश है। हाँ हम गए हैं, आज खाने खाने जा रहे हैं। मैं ज़ारा बुक है, और क्या कहना है, कुछ नहीं। ओह मेरे तो हिजाब पहाड़ निकल गया। यहाँ पहुँचते पहुँचते हमें 8 बज गए, 7:52 में पड़े हैं, और 8:30 पे इशा हो जानी है। तो इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ के खाना खाएं। तो हम लोग जो है ना यहाँ से कोई फ्रूट वगैरह के कप्स लेने लगे ताकि कुछ तो एनर्जी आए। शहजाद ने इतनी हिम्मत दिखाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। जिम शिम करते हैं, स्टेमिना पावर। इन्होंने ना मुझे ऐसे करके मेरे शवरमे की तरह मुझे रोल किया हुआ था और मुझे लेके जा रहे थे। इस तरह ज़्यादा अच्छा हो गया। अगर एक दूसरे सिर्फ हाथ पकड़े हो ना, तो फिर वो मैं पीछे रह जाने, ये आगे मुझे खींच रहे हो,
इस तरह होता था। इन्होंने सही, मैं आपको घर जाके ना करके दिखाऊंगी तो आपके हस्बैंड भी आपको इस तरह ना छोड़ के हाँ लेके जा सकते हैं। इनका बड़ा अच्छा ट्रिक था। तो जज़ाकअल्लाह शहज़ाद, शहज़ाद ने वो काम कर दिया ना कि मतलब बस कहते जिंदगी की सब ख्वाहिशें पूरी हो गई हैं। आगे पता नहीं जिंदगी कितनी है कितनी नहीं, लेकिन अब जो कर लिया ना, हजरत अस्वद को बोसा नहीं दे सके। वो जो है वो बहुत ही ज्यादा रश था और वो मैं वो अल्लाह ताला फिर कभी नसीब करेंगे। कोई बात टाइम जो है ना आपको लेकर जाने का, उसका सुबह 9-10 बजे। हाँ अच्छा अच्छा वही ना। लेकिन बहर अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ताला नसीब में किया वो भी कुछ भी नहीं छोड़ा। कौन सा लेना भी, ये वाला, ये वाला फोटो मिक्स है, ये वाला है। बहरहाल आज कारी सुदेश ने जो है वो तरावी पढ़ाई आखिर वाली और दुआ उन्होंने करवाई है, तो बस ऐसे लगता है आज सारी ख्वाहिशें जो है ना हर तरह की पूरी हो गई हैं। हर तरफ क्राउड है, सारे लोग तरावी पढ़ के निकल रहे हैं और कुछ खाने खा चुके हैं, अब कुछ खाना खाने जा रहे हैं। शहज़ाद हम ही वॉशरूम गए हैं और मिशारी जो है वो अपना खेल रहा है। तो आज नर्स डलवाए हैं, आई कांट बिलीव दिस। क्यों पूरा घंटा हो गया हमें वहाँ पे टेबल लिया और खाना खाया, पहले ऑर्डर किए थी लंबी लंबी लाइंस, और इस वक्त 11:15 हो रहे हैं। 10:15 बजे तरावियाँ ख़त्म करके हम खाना खाने आए थे और अभी भी ऐसे रश है कि जैसे कोई नेक्स्ट नमाज होने लगी है। उम्रे पे आप आ जाए ना तो रेस्ट नहीं मिलता, और सारे ना मतलब इबादत के ऐसे वो लालची होते हैं कि इबादत नहीं छोड़नी, यही तो करने आए हैं। तो वो फिर इसलिए लोग जो है ना कुछ तो यहीं सो जाते हैं हरम में और फिर फजर के टाइम उठ जाते हैं, खा पी के यहीं सो गए। लेकिन वो है कि जिनके साथ बच्चे नहीं होते, जिनके ऊपर कोई और जिम्मेदारी नहीं होती, हमारे जिनके ऊपर जिम्मेदारियाँ हैं तो हम लोग फिर घरों पर चले जाते हैं। अपने कपड़े चेंज करेंगे, कंफर्टेबल होंगे और बस फिर चाय पीने जाएंगे। ये थी रूटीन और आई होप आपको अच्छी लगी है। कल इंशाल्लाह हमारी रवानगी है मदीना की तरफ, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार देने के लिए और थैंक यू सो मच इतने सारा लाइक्स और कमेंट्स आ रहे हैं, लाइक्स आ रहे हैं। यकीन करें आप सबको दुआ में याद रखा है। एक वो भी टाइम था जब मेरे सिर्फ 1000-2000 सब्सक्राइबर्स थे, तो मैं उम्रे पे जा रही थी, तो मैंने सबसे कहा था कि अपने नाम और अपनी दुआएं मुझे बताएं लिख के कॉमेंट सेक्शन में। तो मैं वो पेपर पर लिख के गई थी और वहाँ पर मैंने खाना खावा में एक एक का नाम लेके दुआएं की थी। लेकिन अब माशाल्लाह इतने सब्सक्राइबर्स, इतने कमेंट्स, प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। तो मैंने आप सबके लिए जनरल दुआ की थी कि कोई भी मुश्किलात हैं तो वो हल हो, जो भी आपकी जायज़ दुआएं अल्लाह ताला कबूल फरमाए, सबके रिस्क में फराकी हो और सबको जो है ना अल्लाह ताला अपनी नेमतों से दुनिया और आखिरत में नवाजें। आमीन सुम्मा आमीन। और सबको अपने घर पर बुलाएं, जो जो तड़प रहे हैं आने के लिए अल्लाह ताला उनकी तड़प जल्द अज जल्द दूर फरमाए, वो सब आए यहाँ पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू इतना प्यार देने के लिए, वीडियोस को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए और इवन वीडियो को शेयर करें आप इतना, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बच्चों को ऊपर छोड़ के बच्चे अपने जो हैं वो रेस्ट कर लेते हैं और हम यहाँ पे आ जाते हैं चाय पीने के लिए। मैं लेती हूँ चाय, शहज़ाद लेते हैं कॉफ़ी, और अभी तो शहज़ाद कॉफ़ी मॉल से लेके आए थे वही गर्म करा लिए, और साथ में आज तो डोनट्स भी लिए हैं। मॉल में जो जो ऑप्शन अवेलेबल है वहाँ से ही लेना होता है ज़ाहिर है। चले चाय पीने के बाद हम यहाँ पे आ गए। मिशी का जो मोबाइल है वो उसने उसमें से थोड़ा पानी निकाल दिया है तो यहाँ पे हम दूसरा मोबाइल देखने आए हैं। तो ये तो सारे गर्ल्स वाले मोबाइल हैं, बॉयज़ वाला कोई मोबाइल ही नहीं है इसमें। आगे चलते हैं, मार्केट ये है। इधर आए हैं, सारी मार्केट में एक जैसी चीज़ें ही मिलती हैं। चलें जी, इस शॉप को मैंने किया चूज़।
और चलिए जिसमें चलते हैं। मिशी का स्पाइडरमैन भी आया हुआ है, लेट्स हैव अ लुक। भाई वो बच्चों की वाटर गेम नहीं है, वाटर गेम वो बटन प्रेस करके वाटर वाली। कलर्स जो है ना इसमें ये सारे मिल रहे हैं, ब्लू, ग्रे, ब्लैक, मरून, ग्रीन। जाए ना माँ ग्रीन कलर की लूँ वैसे, है ना? ग्रीन कलर मतलब मुस्लिम सा कलर लगता है ना। देखें जरा ग्रीन डोनट पकड़े, उससे कहें जरा निकाल के दिखाएं। हाँ इसके ऊपर गोल्डन में करवा लें, पता है? नहीं नहीं ग्रीन के ऊपर गोल्डन में। सदियाँ हो गई हैं उर्दू में लिखना ही नहीं आता नाम। अच्छा ओके, ऐसे सही लिखे मैंने? हाँ जी ठीक है ओके। और सबा ऐसे है ना? हाँ जी ओके। सबा नबील और बाकी जो है वो मैं अरबी स्टाइल में लिखो ना। ये अरबी स्टाइल नहीं है बिल्कुल भी। मेरी मेरी हैंडराइटिंग देखें, सबा नबील। आपको मदीना यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिलवाना है मैंने। चले खैर, ज़्यादातर जो लेडीज़ है ना वो सिंगल नाम लिखवा रही थी, लेकिन मुझे पता नहीं क्या होता है, मैं अपना नाम सिंगल नहीं लिखती। तो जब मैं अपना नहीं लिख रही थी तो बाकी जो मैं नाम लिखवा रही थी वो भी मैंने पूरे लिखवाए। और वैसे तो ये नहीं है कि हम नाम के ऊपर सजदा कर रहे हैं तो ये कोई गलत चीज़ हो जाएगी, बट स्टिल अपना एक वहम सा रहता है ना, तो हम सजदा थोड़ी साइड पर कर लेंगे। पहले मैं ये भी सोच रही थी कि नाम जैसे नौशीन है उसके नीचे शहज़ाद लिखवाऊँ, लेकिन वो मज़ा नहीं आना था, नाम तो एक साथ ही अच्छा लगता है। बट हाँ एक गलती ये हुई कि उसे हम बोलते कि ये थोड़ा सा ना फॉन्ट का साइज़ छोटा कर दे ताकि बिल्कुल एक कॉर्नर में हो जाए। तो सिर्फ जो मैंने सबा नबील लिखवाया ना वो नाम साइड पे है, क्योंकि वो दोनों नाम शॉर्ट हैं, बाकी नौशीन, शहजाद, मरियम, अदनान ये लंबे नाम हैं, तो ये थोड़ा सा मिडल तक आ गए थे। बट इट्स ओके, बहुत क्यूट है ये जाए नमाज, आधी जगह फिर भी हमारे पास होगी सजदा करने के लिए। तो बड़ा प्यारा ही इन्होंने कॉन्सेप्ट शुरू किया हुआ यहाँ पे मक्का में। बहुत पिछले साल हमने नहीं देखा, हालांकि हम गलियों में फिरते रहते थे ना, तो हमने देखा नहीं है सारी मक्का की किसी शॉप पे भी। मक्का की गलियाँ और फिर मदीना की गलियों में फिरने का बहुत ही मज़ा आता है। बहरहाल चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और दुआओं में याद रखें। कल हमारी इंशाल्लाह मदीना की तरफ रवानगी है, तो आपको भी साथ लेके चलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। ला 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 हाजा 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 ही है। हां हाजा ही है। ए इधर देखें।